डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पी एल नरेडा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टूडे द प्ले द एप्पल कार्ट बाय जी बी शाह. जी बी शाह द एप्पल कार्ट. टर्निंग एन एप्पल कार्ट एक मुहावरा है इंग्लिश भाषा में, जिसका मतलब होता है किसी की बनी बनाई प्लानिंग को अपसेट कर देना. और इस नाटक में किसकी प्लानिंग को अपसेट किया जाता है, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. द एप्पल कार्ट. एप्पल कार्ट सेव का जो ठेला होता है, गाड़ी होती है, आप इसको इस तरह से समझिए जैसे किसी ने बहुत ही सुसज्जित तरीके से ठेले पर सेव सजा रखे हों और कोई उसको उल्टा कर दे, अर्थात इतने अथक प्रयास के बाद जो कार्य किया है उसको अपसेट कर देना. थोड़ा सा हम जी बी शाह के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर प्ले को स्टार्ट करते हैं. जी बी शाह इज़ द फेमस प्लेरिट. जी बी शाह एक प्रसिद्ध नाटककार हैं. ही वॉज प्राप्त हुआ. द एप्पल कार्ट इज अ राई पॉलिटिकल सटायर बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. एप्पल कार्ट जो है यह पॉलिटिकल सटायर है, राजनीतिक व्यंग्य है. राय का मतलब होता है विडंबना युक्त, राय पॉलिटिकल सटायर, विडंबना युक्त राजनीतिक व्यंग्य है. ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, सोशलिस्ट, बायोलॉजिस्ट, प्रोटेगनिस्ट एंड म्यूजिक कंपोजर. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी वाला व्यक्ति था. वो नाटककार भी है, समाजवादी भी है, बायोलॉजिस्ट भी है, प्रोटेगनिस्ट भी है और म्यूजिक कंपोजर भी है. संगीत भी उन्होंने कंपोज किए हैं. ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द थिएटर एज ए सोशल रिफॉर्मर. एक समाज सुधारक के रूप में उनका थिएटर पे बहुत प्रभाव पड़ा. द प्ले एप्पल कार्ट इज ए पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेंजा. एक्स्ट्रावेंजा का मतलब होता है अतिरंजिका. यह राजनीतिक अतिरंजिका है. जी बी शाह वॉज अ मास्टर ऑफ विट्टी डायलॉग. और जी बी शाह जो है विट्टी डायलॉग मतलब बुद्धि चातुर्य से युक्त डायलॉग लिखने में बहुत मास्टर है, दक्ष है. ही इज़ फुल ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न आइडियाज, आधुनिक विचारों से भरे हुए हैं. ही बिलीव्ड दैट इन मेनी वेज अ डिक्टेटर इज सुपीरियर टू अ डेमोक्रेट. उनका ऐसा विश्वास था कि जो एक तानाशाही व्यक्ति है वो कहीं हद तक प्रजातांत्रिक लोगों से ज़्यादा बेस्ट होता है. ए गुड इंटेलिजेंट एंड बेनेवोलेंट डिक्टेटर वॉज सुपीरियर टू अ सेट ऑफ फूल्स इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी. बेनेवोलेंट मतलब उधार, तानाशाही डिक्टेटर मतलब तानाशाही व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है बजाय सेट ऑफ फूल्स इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में मूर्ख लोगों के बजाय. प्रजातंत्र के मूर्ख जो लोग हैं, मूर्ख जो नेता है, उनसे ज़्यादा अच्छा एक उदार हृदय वाला तानाशाही व्यक्ति हो सकता है. दिस प्ले वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1999. ये जो प्ले है 1929 में प्रोड्यूस हुआ. द एप्पल कार्ट वॉज प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ बीबीसी टेलीविजन प्ले ऑफ द मंथ सीरीज इन 1975. द एप्पल कार्ट जो प्ले है इसको बीबीसी टेलीविजन की मंथ सीरीज में 1975 में प्रकाशित किया गया. अपसेटिंग द एप्पल कार्ट इज अ फ्रेज इन इंग्लिश. अंग्रेजी में एक मुहावरा है अपसेटिंग द एप्पल कार्ट, किसी की बनाई हुई योजना को बिगाड़ देना, अपसेट कर देना. इट मीन्स टू अपसेट समबडीज प्लान. और इसका मतलब होता है किसी के प्लान को अपसेट कर देना.
द प्ले एप्पल कार्ट इज ए फ्यूरिस्टिक हाई कॉमेडी। एप्पल कार्ट जो है एक फ्यूरिस्टिक हाई कॉमेडी है। फ्यूरिस्टिक हाई कॉमेडी मतलब इसमें हंसी मजाक भी खूब है और यह व्यंग्य भी है। यहाँ पर हम सबसे पहले इस प्ले में जो जो मुख्य पात्र है उनके बारे में एक नज़र डालते हैं ताकि हम इस प्ले को आसानी से समझ सकें। प्ले में दो भागों में बटा हुआ समझें इसको। एक तरफ किंग मैग्नस है और उसकी पार्टी है, दूसरी तरफ प्रोटियस जो कि प्राइम मिनिस्टर है। दो भागों में पात्रों को हम देख सकते हैं। किंग मैग्नस क्यून जेमिमा ओरिंथिया ये किंग्स मिस्ट्रेस है। मुख्य पात्र जो है एक तो किंग मैग्नस, दूसरा उसकी पत्नी जेमिमा, तीसरी ओरिंथिया जो किंग की मिस्ट्रेस है, ये प्रेमिका है राजा की। चौथा जो मुख्य पात्र है वो है एलाइस जो रॉयल प्रिंसेस है, एलाइस राजा की बेटी है। और जो अन्य पात्र है सैम्प्रोनियस और पैम्पलियस, ये दोनों किंग के प्राइवेट सेक्रेटरी है। तो एक तरफ तो ये लोग हैं जो राजा के साथ हैं, दूसरी तरफ कुछ पात्र हैं जैसे जो प्रोटियस, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, बिल्ली बॉय एनर्जीज प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड जो व्यापार संगठन का अध्यक्ष है, प्लिनी चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक्सचेकर विभाग का ये चांसलर है, खजांची या ट्रेजरी का एक्सचेकर है, बेल्बस है ये होम सेक्रेटरी है, अमांडा और लाइसिस्ट्राटा ये दो लेडीज भी इसमें हैं। अमांडा जो है पोस्ट मिस्ट्रेस जनरल है और लाइसिस्ट्राटा पावर मिस्ट्रेस जनरल है। और एक और पात्र है जो है वेंथम जो अमेरिकन एम्बेसडर है, जो अमेरिका का दूत है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंग्लैंड की राजव्यवस्था के बारे में बता देता हूँ। वहाँ पर राजा का शासन होता है, इंग्लैंड जो होता है, सॉरी अमेरिका की नहीं, इंग्लैंड की जो राजव्यवस्था है वहाँ पर राजा का शासन होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ऐसे ही वहाँ पर राजा प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वहाँ भी होता है इंग्लैंड में भी। तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री मिलकर के राजा को अल्टीमेटम देते हैं कि तुम इस अल्टीमेटम पे, अल्टीमेटम का मतलब होता है अंतिम चेतावनी, इस पे साइन कर दो कि पब्लिक में भाषण नहीं दोगे और अपने पावर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करोगे। राजा दुविधा में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए और इसी पे ये पूरा प्ले लिखा गया है। देखिए राजा उस दुविधा को किस तरह से सोल्व करता है ये हमें इस नाटक में जानना है। द मोनार्च मैग्नस हु इज अटैक्ड बाय हिज इलेक्टेड कैबिनेट। द प्लॉट ऑफ द प्ले, इस नाटक का जो प्लॉट है वो इसी बात से संबंधित है, कंसर्न मतलब संबंधित है। मोनार्च मैग्नस की ऊपर अटैक किया जाता है, यहाँ पर अटैक से मतलब शारीरिक अटैक नहीं है, उस पर मानसिक अटैक, मानसिक दबाव बनाया जाता है इलेक्टेड कैबिनेट के द्वारा। चुने हुए प्रतिनिधि जो है, मंत्रिमंडल कैबिनेट जो है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। दे फील दैट द किंग इज टू मच इंटरफेयरिंग, उनको ऐसा लगता है कि राजा उसकी शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, इंटरफेयर ज़्यादा कर रहा है। दे थ्रेटन द किंग टू रिजाइन, वे राजा को धमकी देते हैं, सारे के सारे मंत्री आते हैं और राजा को धमकी देते हैं
इफ ही डज नॉट साइन द एन अल्टीमेटम, अगर वो इस अल्टीमेटम पे साइन नहीं करेगा तो वे सब जो है रिजाइन कर देंगे, सारे के सारे मंत्री जो है रिजाइन दे देंगे अगर राजा ने अल्टीमेटम पे साइन नहीं किया तो। और जैसा कि हम राजनीति में जानते हैं, अगर मंत्रिमंडल रिजाइन दे देता है तो फिर वहां की सरकार गिर जाती है और फिर दोबारा चुनाव होते हैं। तो वो सारे मंत्री राजा के पास आके कहते हैं अगर तुमने इस अल्टीमेटम पे साइन नहीं किया तो हम सब रिजाइन दे देंगे। दिस अल्टीमेटम टर्न्स हिम इनटू ए पावरलेस फिगर हेड, और इस अल्टीमेटम की वजह से राजा जो है पावरलेस फिगर हेड हो जाता है। राजा अपने आप को शक्तिहीन महसूस करता है। क्यों शक्तिहीन महसूस करता है? आइदर वे, दोनों ही तरह से, द किंग वुड बी पावरलेस, राजा निहत्ता हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा अगर वो अल्टीमेटम पे साइन करता है। अगर अल्टीमेटम पे साइन नहीं करता है तो कैबिनेट जो है रिजाइन दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी। अगर साइन कर देता है तो उसकी शक्तियां जो है खत्म हो जाती है, वो निहत्ता हो जाता है। His dilemma is the play's main theme. अब राजा के सामने जो दुविधा है, वो साइन करे या ना करें, ये जो डिलीमा है, ये जो दुविधा है, यही इस प्ले का थीम है। He wanted to upset the apple cart of democracy. वो प्रजातंत्र की जो एप्पल कार्ट है, बनी बनाई जो योजना है उसको अपसेट करता है। His prime minister is Proteus, who is jealous of him. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री है वो प्रोटियस है और वो बहुत ईर्ष्या करता है किंग मैग्नस से, राजा जो मैग्नस है उससे। ही एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट गिव हिम एन अल्टीमेटम, वह दूसरे मंत्रियों को भड़काता है और अल्टीमेटम दे देता है राजा को। देर इज ए लॉन्ग पॉलिटिकल डिबेट, इस नाटक में एक बहुत लंबी राजनीतिक डिबेट होती है, वाद विवाद होता है और कई तरह के निष्कर्ष निकल के आते हैं। मैनी साइड्स एंड प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड एंड रिवील्ड, बहुत सारी साइड्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर डिस्कस किया जाता है और उनको उजागर किया जाता है। दे टेल द किंग दैट ही शुड नॉट यूज हिज वीटो पावर एंड नॉट मेक पब्लिक स्पीचेस, वे सारे मंत्री राजा से कहते हैं कि तुम्हें वीटो पावर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजनीति में एक वीटो पावर होता है जो कि राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्राध्यक्ष के पास होता है। क्योंकि इंग्लैंड में राष्ट्राध्यक्ष राजा होता है इसलिए उसके पास वीटो पावर होता है। तो वे राजा के पास आके कहते हैं द टेल द किंग दैट इफ ही डज नॉट साइन द अल्टीमेटम द कैबिनेट विल रिजाइन, वे राजा के पास आकर के कहते हैं अगर तुमने इस अल्टीमेटम पे साइन नहीं किया तो वे रिजाइन कर देंगे। दे आर वेरी श्योर दैट द किंग विल रिजाइन द अल्टीमेटम, और उनको पक्का विश्वास था, सभी मंत्रियों को विश्वास था कि राजा निश्चित रूप से अल्टीमेटम पे साइन कर देगा। देर इज ए कमेंट्री ऑन पॉलिटिक्स इन ए ब्रीफ इंटरलूड, वो अल्टीमेटम देकर के सारे मंत्री वहां से बाहर वेट करते हैं कि राजा इस पे क्या निर्णय लेता है। चूंकि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक इंटरलूड आता है, इंटरलूड मतलब अंतराल आता है, जैसे हम मूवी देखते हैं और ऐसी घटना पे मूवी के बीच में एक अंतराल आ जाता है, ब्रेक आ जाता है कि जो दर्शक है उनकी रुचि उसमें बनी रहे कि अब आगे क्या होने वाला है। और उस अंतराल में, इंटरलूड में, यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी बताई जाती है। उन महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या महत्वपूर्ण है? देर इज ए कमेंट्री ऑन पॉलिटिक्स इन ए ब्रीफ इंटरलूड ऑन मैरिज एंड अडल्ट्री। यहाँ पे हमें ओरिंथिया, जो राजा की प्रेमिका है, उसके और राजा के बीच में संवाद बताया जाता है। इंटरलूड जो होता है, जो ब्रेक जो होता है अंतराल, उसमें राजा और ओरिंथिया बहुत ही चतुरतापूर्ण वाद विवाद करते हैं। ओरिंथिया जो है वो रानी बनना चाहती है
और राजा उसको बहुत सारी बातचीत होती है, एज वेल एज अ सीन विद एन अमेरिकन एम्बेसडर मॉकिंग फुल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। और उसी समय अमेरिका का जो दूत आया हुआ है एम्बेसडर, जब ओरंथिया और राजा का संवाद समाप्त हो जाता है और ये संवाद अमेरिका के दूत के आने के साथ समाप्त होता है, ओरंथिया राजा को पकड़ना चाहती है और वो चाहती है कि तू मेरे से शादी कर ले, लेकिन राजा उसको धक्का लगा देता है थोड़ा सा और वो गिर पड़ती है। उसी समय दूत आ जाता है, फिर दूत अमेरिका के दूत और राजा के बीच में वाद विवाद होता है। अमेरिकन एम्बेसडर मॉकिंग फुल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, अमेरिकन जो दूत आता है वो डेमोक्रेसी के बारे में मजाक उड़ाता है और कैपिटलिज्म के बारे में भी, पूंजीवाद के बारे में भी वो मजाक उड़ाता है। सो द एस्ट्यूट इनसाइट एंड स्पार्कलिंग विच एक्सपोज द अनरियलिटी ऑफ बोथ डेमोक्रेसी एंड रॉयल्टी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो बुद्धि चातुर्य है, एस्ट्यूट बुद्धि चातुर्य, इनसाइट अंतर्दृष्टि जो है, और स्पार्कलिंग विट और जो बहुत ज़्यादा चमक धमक वाली बुद्धि है, उसकी वजह से उसने अनरियलिटी को बताया है। कौन सी अनरियलिटी? ऑफ बोथ डेमोक्रेसी एंड रॉयल्टी, प्रजातंत्र की और रॉयल्टी शाही परिवार की। राजा ने, यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दोनों पक्ष उजागर किए हैं, प्रजातंत्र के क्या दोष हैं, राजतंत्र के क्या दोष हैं, उन दोनों को बताया है। द बेड इफेक्ट ऑफ प्राइवेट कैपिटलिज्म इज पोर्ट्रेड थ्रू ब्रेक इज लिमिटेड, एक कंपनी प्राइवेट कैपिटलिज्म के प्रभाव को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बताया है। द किंग हैज अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी एंड द पब्लिक इज अट्रैक्टिव टू हिम, राजा जो है उसके अंदर मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, चुंबकित गुण है, और इसी वजह से पब्लिक उसके प्रति अट्रैक्टिव रहती है, उसके प्रति आकर्षित रहती है। मैग्नस अपोजेस द कॉपरेशन ऑफ ब्रेकर्स लिमिटेड विच कंट्रोल्स पॉलिटिशियन एंड इम्पेड्स टेक्निकल प्रोग्रेस। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि राजा किस तरह से जो ब्रेकर्स लिमिटेड जो कंपनी है उसका विरोध करता है, और ब्रेकर्स लिमिटेड कंपनी क्या करती है, सभी राजनेताओं को कंट्रोल में रखती है, और इस वजह से टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं हो पाती। ब्रेकर्स लिमिटेड जो है व्यापार कंपनी है, वो सब नेताओं को अपनी गिरफ्त में रखती है, और इस वजह से जो है प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। ब्रेकर्स लिमिटेड का जो मालिक है वो कहता है कि अगर इंग्लैंड की सीमाओं को सील कर दिया जाए चारों तरफ से, तो भी कम से कम ब्रेकर्स लिमिटेड इतना उत्पादन तो बनाती है कि इतनी चॉकलेट्स तो बनाती है कि कम से कम 8 दिन लोग चॉकलेट खा के रह सकते हैं। इस तरह के फूहड़ तर्क ब्रेकर्स लिमिटेड के मालिक देते हैं। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द रियलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द रियलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसकी रियलिटी को भी बताती है। और फिर इसी के साथ जो है इंटरलूड समाप्त हो जाता है। सोचने का, और उसके बाद फिर उसको डिसीजन करना था। इंटरलूड खत्म होने के बाद सारे मंत्री वापस आते हैं। द इंटरलूड इज द टाइम बिटवीन द टू एक्ट्स ऑफ द प्ले। इंटरलूड क्या होता है? इंटरलूड दो एक्ट के बीच में जो टाइम होता है उसको इंटरलूड कहते हैं। क्योंकि हमारा जो एप्पल कार्ट जो प्ले है उसमें दो एक्ट हैं और उनके बीच में यह एक छोटा सा इंटरलूड आता है। इट इज फुल ऑफ ब्रिलियंट विट। इसमें बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता है, विट का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि चातुर्य का। इट इज ए रिलीफ फॉर मैग्नस एंड द रीडर्स। ये मैग्नस के लिए भी रिलीफ होता है और पाठकों के लिए भी।
पाठक जो है नेताओं की बोरियत को सुन सुन के पक जाते हैं, तो पाठकों को कुछ मनोरंजन चाहिए और मैग्नस को भी सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, इसीलिए इंटरलूड का प्रयोग नाटक में होता है। द किंग स्पेंड सम टाइम विद लेडी लव कॉल्ड ओरिंथिया। किंग जो है उसकी लेडी लव ओरिंथिया के साथ टाइम पास करता है। ओरिंथिया टेल्स द किंग दैट ही शुड डिवोर्स हिज वाइफ क्यून जेमिमा एंड मैरी हर। यहाँ पे ओरिंथिया राजा से कहती है कि तुम्हें जेमिमा से डिवोर्स करना चाहिए, तलाक देना चाहिए और मेरे से शादी करनी चाहिए। सी टेल्स द किंग दैट सी हर सेल्फ इज लाइक अ प्रेटी फ्लावर। वो कहती है कि मैं तो प्रेटी फ्लावर हूँ, वाइल जेमिमा यहाँ पे एम है इज लाइक अ कॉलीफ्लावर, जबकि द किंग टेल्स ओरिंथिया जब ओरिंथिया रानी के बारे में कहती है कि वो तो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी है, वाइल जेमिना इज द कॉलीफ्लावर। सी टेल्स द किंग दैट सी हरसेल्फ इज ए लाइक अ प्रिटी फ्लावर, वो खूबसूरत फूल है, वाइल जेमिमा इज लाइक अ कॉलीफ्लावर, जबकि जेमिमा तो एक फूल गोभी है। तो राजा बहुत ही चातुर्यपूर्ण जवाब देता है। द किंग टेल्स, राजा बताता है, उपयोगी है, कम से कम उसको हम खा तो सकते हैं, प्रिटी फ्लावर को तो हम कुछ काम में भी नहीं ले सकते। दिस सीन शोज दैट किंग इज वेरी सेंसिबल। ये सीन हमें बताता है कि राजा बहुत समझदार है। द कैबिनेट मिस्ट्रेस ब्लेम द किंग बिकॉज ऑल द लेडीज ऑफ द कोर्ट सेंड लव लेटर्स टू हिम। दूसरी जो मंत्री है, जो मिनिस्टर्स है कैबिनेट की, वो राजा पे इल्जाम लगाती है कि कोर्ट की बहुत सारी लेडीज तुम्हें लव लेटर भेजती रहती है। ओरिंथिया हरसेल्फ सेंड सिक्स लेटर्स लव लेटर्स टू हिम अ डे। ओरिंथिया जो है वो खुद भी राजा को दिन में 6 लव लेटर भेजती है। द किंग टेल्स ओरिंथिया दैट ही कैन नॉट मैरी हर बिकॉज ही इज मैरिड टू हिज वाइफ। राजा ओरिंथिया को बताता है कि मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अपनी पत्नी से पहले से ही शादी कर चुका हूँ। He says that they are like two stars. राजा ओरिंथिया से कहता है कि तुम एक सितारा हो और मैं भी एक सितारा हूँ। There can be attraction between two stars. दो सितारों में attraction हो सकता है, but if they come very close, they will clash. लेकिन अगर दो सितारे पास आएंगे तो वो टकराएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। This shows that The love of Magnus for Orinthia is platonic love. ये बताता है कि जो ओरिंथिया के प्रति जो प्रेम है राजा का वो platonic love है। Platonic love क्या होता है? जो physical love नहीं होता है वो platonic love कहलाता है, जिसमें प्रेमी की या प्रेमिका की खूबसूरती की, उसकी बुद्धि चातुर्य इसलिए ये प्लेटोनिक लव है। द इंटरलूड प्रोवाइड्स रिलीफ। यहाँ पे हमें जो इंटरलूड है वो रिलीफ प्रदान करता है। इट ऑल्सो मेक द प्ले इंटरेस्टिंग। ये इसकी वजह से प्ले इंटरेस्टिंग हो गया है बिकॉज ऑफ ओरिंथिया। इट रिड्यूसेस द टेंशन ऑफ द प्ले एंड मेक्स इट इमोशनल। और ये हमारी जो टेंशन है उसको ख़त्म कर देता है और हमें रिलीफ देता है। जब फिर से दोबारा इंटरलूड समाप्त होने के बाद मीटिंग शुरू होती है, तो राजा कहता है कि मैं अपने पद से रिजाइन दे रहा हूँ, मैं अल्टीमेटम पे साइन नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजाइन दे दूंगा और मेरे रिजाइन देने के बाद मेरा जो बेटा है वो राजा बनेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैं एक सामान्य आदमी हो जाऊंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा।
और मैं चुनाव लड़कर के कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री बनूं। जब राजा की इस तरह की बात को सारे मंत्री सुनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो था प्रोटियस, वह तुरंत राजा के हाथ से अल्टीमेटम लेकर के उसको फाड़ देता है। इस तरह से कैबिनेट और प्रोटियस के द्वारा जो प्लानिंग बनाई गई थी उसको राजा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उनकी जो एप्पल का समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।